नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। सिप्ला ने चौथी तिमाही के नतीजे घोषित कर दिए हैं। हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कैसे नतीजे आए हैं। सबसे पहले डिविडेंड की बात देख लेते हैं। ₹5 पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है। एजीएम में कंपनी अप्रूवल लेगी, उसके बाद रिकॉर्ड डेट एंड एक्स डेट डिक्लेयर की जाएगी। आगे बढ़ते हैं सीधा कंपनी के नतीजों की शीट पर। कंसोलिडेटेड मैंने ओपन किए हैं, इसमें अमाउंट सारा करोड़ों में दिखाया गया है। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट और है, अगर चैनल पर नया आए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। ये जो कॉलम देख रहे हैं दिसंबर 21 के हैं, यानी पिछली तिमाही के, और ये लेटेस्ट मार्च 2022 के हैं। सबसे पहले टोटल इनकम देखते हैं, जो कि अलग अलग सेगमेंट में आई है कंपनी की, या सेगमेंट लिखे हुए हैं। 5570 करोड़ के सामने इनकम डिक्लाइन होकर आई है 5324 करोड़ की, जो कि क्लियरली आप देख रहे हैं कंपनी को डिक्लाइन मिला है। और साल दर साल देखें मार्च 21 से लेकर मार्च 22 के कॉलम में, तो 4666 करोड़ के सामने यहाँ पे काफ़ी अच्छी बढ़त मिली है, यानी साल दर साल कंपनी की इनकम में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। आगे देखें नेट प्रॉफिट, इस कॉलम में एक्सपेंसेस टैक्सेस सारे हटाने के बाद 756 करोड़ के सामने मुनाफा गिर कर आया 370 करोड़ का मात्र, काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिक्लाइन मिला। और साल दर साल देखेंगे तो 411 करोड़ के सामने 370 करोड़ का यहाँ भी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो नतीजे बहुत ही वीक हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। आगे देखें पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनकम में से एक्सपेंडिचर लेस करने के बाद 1054 करोड़ के सामने काफ़ी डिक्लाइन हुआ है, आधा आया है 505 करोड़ का मात्र, जो कि लास्ट ईयर 543 करोड़ से भी आपको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। डिक्लाइन का मेन रीज़न क्या रहा वो देख सकते हैं। एक तो इनकम में कंपनी की गिरावट हुई है तिमाही आधार पर, दूसरे ये खर्चे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, इस वजह से मेनली नतीजे वीक रहे हैं। आगे देखें अर्निंग पर शेयर ₹9.03 के सामने मात्र ₹4.50 की पोस्ट की है, जो कि ₹5.13 लास्ट ईयर थी, वहाँ से भी काफ़ी बड़ा डिक्लाइन दिख रहा है। देखिए डेली चार्ट की बात करें तो लगातार स्टॉक आपको करेक्ट होते हुए देखने को मिल रहा है। आज भी थोड़ी गिरावट दिखाई है और स्टॉक फिलहाल अपनी एक रेंज में पहुंच चुका है, जहां पर बहुत पहले स्टॉक ने कंसोलिडेट किया था 900 से 950 की रेंज में। स्टॉक ठीक बीचों बीच खड़ा है, लेकिन यहां से पक्का गिरेगा, जो कि 900 तक फर्दर गिरावट आपको देखने को मिलेगी। 900 पर स्टॉक का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, स्टॉक कई बार वहाँ पर जाकर सपोर्ट ले चुका है, इसलिए वहाँ से फर्दर ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए। फिलहाल की स्थिति को देख के लग रहा है 900 यहाँ पर जल्दी आपको कल की डेट में भी आते हुए देखने को मिल सकते हैं। कमेंट कर बताएगा कैसे लगे नतीजे कि आपने बाय कर रखा है सिप्ला। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।